Hello guys, this is Chetan and you're watching my YouTube channel Vibrus. I am from PGI Chandigarh and today we are going to discuss about normal fibrinolysis. So this is going to be very interesting, a very important topic for you if you are a medical student and if you are a paramedical student and if you are a nursing student. So this lecture is going to be very, very important for you. And before going to start the lecture, let me introduce. I am Chetan and I am from PGI Chandigarh. So without wasting an hour, let's get started. सो चलिए थोड़ा हिंदी में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मल फिब्रिनोलिसिस, फिब्रिनोलिसिस गाइज, आपको फिब्रिनोलिसिस जैसे कि आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि हमारा जो कोएगुलेशन कैस्केड होता है, ठीक है, एक्सटेंसिव पाथवे होता है, इंट्रिंसिक पाथवे होता है, उसके बाद कॉमन पाथवे होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब एक्सटेंसिक, इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे जब काम में आते हैं तो फाइनली क्या होता है, एक फिब्रिन थ्रेड बनता है, ठीक है, जहाँ पर कहीं भी ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्लॉट बनता है। क्लॉट तो मतलब एक जर्नल टर्म है, अगर हम इसके लिए यूज़ करें तो फिब्रिन क्लॉट एक अच्छा, मतलब अच्छा टर्म हम इसके लिए बोलेंगे, क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फैक्टर 13 स्टेबलाइज कर देता है उसको, फिब्रिन थ्रेड को, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर मतलब ये होगा कि अगर जैसे कि मान लो क्लॉट बनाई जा रहा है वो रिमूवल नहीं हो रहा, तो क्या होगा, थ्रोम्बोसिस हो सकता है ना। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, जो हमारे नॉर्मल जो ब्लड फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, ठीक है, और उसके अलावा हमारे बहुत सारी डिजीज़, मतलब एक तरह से पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाएगी वो। तो बॉडी में इसको हीमोस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। बॉडी में एक बैलेंस होता है कि कितना क्लॉट बनाना है, क्लॉट बना के उसको रिमूवल कैसे करना है, ठीक है। तो ये एक बैलेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है, हीमोस्टेसिस, इसको हीमोस्टेसिस बोलते हैं। आप सभी ने सुना ही होगा हीमोस्टेसिस, हीमो मतलब जो ब्लड का है, मतलब स्टेसिस मतलब एक बैलेंस, ठीक है। तो उससे एक बैलेंस बना रहता है कि क्लॉट बन गया, थोड़े टाइम के बाद जो ब्लड वेसल थी वो हील होगी, उसके बाद उसको रिमूव करना जरूरी है ताकि वो ऑब्स्ट्रक्शन काज ना कर सके आने वाले ब्लड फ्लो में। तो नॉर्मल फिब्रिनोलिसिस में यही होता है कि जो हमारा क्लॉट बना होता है उसको रिमूव करना होता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस आती है कि फिब्रिनोलिसिस ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो उसी चीज़ को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मल फिब्रिनोलिसिस देखिए, यहाँ पर ये जो वर्ड है फिब्रिनोलिसिस, दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, फिब्रिन एंड लाइसिस, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकेज, तोड़ना किसी चीज़ को, ठीक है, लाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस यानी कि जो फिब्रिन थ्रेड है, ठीक है, फिब्रिन थ्रेड होता है, जो फिब्रिन थ्रेड का लाइसिस, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले कि फिब्रिन थ्रेड बनता कैसे है, ठीक है, नॉर्मली हम देखेंगे फिब्रिन थ्रेड बनता कैसे, फिर उसके बाद देखेंगे हम कि वो टूटता कैसे, ठीक है। देखिए, मैं पूरा कोएगुलेशन कैस्केड तो इसमें डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए एक अलग से क्लास होगी, क्योंकि उसकी एक पूरी मैकेनिज्म होता है, ठीक है, उसमें पूरा मतलब कब एक्सटेंसिव फैक्टर इनिशिएट कैसे होता है, ठीक है, एक्सटेंसिव फैक्टर में कौन कौन से कोएगुलेशन फैक्टर हमारे काम आते हैं, कोएगुलेशन प्रोटीन कौन से काम आते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं एक सिंपल जर्नल सा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा जैसे कि एक्सटेंसिव पाथवे एक्टिव हो गया आपका, कोई भी इंजरी हुई आपकी, ठीक है, कोई भी, और उसके बाद इवेंचुअली हमारे क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, कई बार वो एक्टिवेट होता है, तो उसके बाद कॉमन फैक्टर होके तो लास्ट में हमारा क्या बनता है, एक फिब्रिनोजन, जो हमारा फिब्रिन थ्रेड बनता है वो कैसे बनता है, देखिए, जो हमारा फिब्रिनोजन होता है ये इनएक्टिव होता है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म होती है इसकी, इनएक्टिव, ठीक है, इसको जाइमोजन भी बोलते हैं, ठीक है, जाइमोजन मतलब इनएक्टिव, जो जाइमोजन होता है जो इनएक्टिव एंजाइमेटिक फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये फिब्रिनोजन होता है, ठीक है, जन जिसके पीछे लगा हुआ मतलब कि वो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। अब इस फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है, फिब्रिन होती है इसकी एक्टिव फॉर्म। अब इस फिब्रिनोजन को फिब्रिन में जब हम कर लेते हैं, इसको मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा फैक्टर 13, जो एक्टिव फैक्टर 13 होता है, ठीक है, वो क्या करता है, फिब्रिन जो मैस वर्क बना है ना, फिब्रिन थ्रेड बना है प्लेटलेट्स का, और जो फिब्रिन थ्रेड का जो वो मतलब क्लॉट बना है, उसको क्या होता है, ये क्लॉट स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, ठीक है, ये उसको स्टेबलाइज करता है। फैक्टर 13 की डेफिशिएंसी कई बार हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि क्लॉट बन तो रहा होता है लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, वो इवेंचुअली क्या होता रहता है, डिग्रेड होता रहता है, तो उसके कारण हमारी ब्लीडिंग होती रहती है बंदे को, ठीक है। तो ये जो फैक्टर जो 13 है, ये एक्टिव फॉर्म में फिब्रिन मैसवर्क को ये देखिए क्रॉस लिंक कर देता है, यानी कि एक्स लिंक मैंने लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब है क्रॉस लिंक, ठीक है, ये क्रॉस बना हुआ है, तो ये क्रॉस लिंक कर देता है उसको, फिब्रिन मैस को, ठीक है।
तो फिब्रिन जो से फिब्रिन आप सभी को बताइए होगी जो थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन हमारा फिब्रिन जो तो फिब्रिन कन्वर्ट करता है ठीक है, वो एक अलग कैस्केड है। अब हम इसमें डिस्कस करने वाले कि जो फिब्रिन मैश वर्क बन चुका है अब उसको रिमूव करना, तो रिमूव हम कैसे करेंगे जो गाइज, इसके पहले तो उसका आपको दो प्रोडक्ट याद रखने हैं कि फिब्रिन जो मैश वर्क होता है उसके डिग्रेडेशन के जो दो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं आपके फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स एंड डी डाइमर ठीक है। डी डाइमर गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, डी डाइमर ऐसे हम करते हैं लैब में, डी डाइमर मैंने खुद किया हुआ है ठीक है, डी डाइमर ऐसे करना पड़ता है और ये काफ़ी यानी कि आप जैसे आजकल कोविड चल रहा है तो कोविड के टाइम में भी डी डाइमर ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसका हम बाद में इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर लेंगे डी डाइमर के ऊपर। तो उसमें क्या बनता है फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, यानी कि फिब्रिन का डिग्रेड हो रहा है तो फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बन रहा है। गाइज लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि देखिए मैं हर चीज़ ना बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक आपको लेके जाऊंगा ठीक है, ऐसे नहीं है कि डिस्कस करके छोड़ दिया, उसका कोई मतलब नहीं बनता ठीक है। तो आप चाहो तो 2 की स्पीड में भी देख सकते हो लेक्चर को अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो देखिए मैं डिस्कस कर रहा था कि फिब्रिन मैश वर्क होता है, जो फिब्रिन का जो मैश वर्क होता है जैसे कि ऐसा ऐसा मैश वर्क बनता है ठीक है, ये मतलब क्लोट लगा लो आप तरीके से जो स्टेबलाइज होता है। अब इसको तोड़ना है तो इसको तोड़ने के लिए भाई इसके तोड़ने के लिए भी कोई एंजाइम जरूरत होता है ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। तो इसको तोड़ने के लिए गाइज हमारा प्लाज्मिन आता है ठीक है, प्लाज्मिन क्या करता है फिब्रिन मैश वर्क को फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में ब्रेक कर देता है ठीक है। अब ये प्लाज्मिन है ना, ये प्लाज्मिन भी भाई जैसे कि इसको भी एक्टिव करने के लिए कई सारी चीज़ होती है। देखिए जो प्लाज्मिन होता है इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म होती है ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म होती है जो प्लाज्मा में वो होती है आपकी प्लाज्मिनोजन। देखिए जैसे मैंने एक पहले ही बताया था जिसके पीछे जन आ जाए तो मतलब समझ लेना कि वो उसकी इनएक्टिव फॉर्म है। तो प्लाज्मिनोजन एक ये इनएक्टिव फॉर्म है प्लाज्मिन की ठीक है। अब प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन को कौन करता है भाई, मतलब इसका कन्वर्जन कौन करता है, इसका कन्वर्जन करता है गाइज इसमें दो आते हैं, एक आता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करना, प्लाज्मिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना कहता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, और आता है एक आपका यूरो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ठीक है। ये हमारा यूरिन से मिलता है और ये गाइज इसका जो यूरो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है ठीक है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है इसकी प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ये देखिए प्लेसेंटा से रिलीज होता है तो इसकी प्रेगनेंसी के दौरान ही इसके लेवल होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं हमारे प्लाज्मा में। तो एक जर्नल था, ये एक जर्नल था मतलब कि एक फ्लो चार्ट था, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो आप चाहो तो इसको कॉपी में उतार भी सकते हो। तो ये फ्लो चार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसी से आपका सारा का सारा हम इसमें, और इसके बाद मैं एक फ्लो चार्ट और करूँगा उसमें क्या करूँगा, इसमें मैं इनहिबिटर। अब देखिए नॉर्मल फिब्रिनोलिसिस तो मैंने बता दिया कैसे होती है, अब आते हैं इसकी पैथोलॉजी पर जिसकी मेन क्लास होने वाली है ठीक है। पैथोलॉजी में क्या होगा कि जैसे कि टिशू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, यूरो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है ठीक है, इसको इसको कई फैक्टर इनहिबिट करते हैं ठीक है। जैसे कि टिशू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर जिसको हम TPI बोलते हैं ठीक है, TPI आपने सुना होगा ठीक है, टिशू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर ठीक है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर, तो वो सारे के सारे इनहिबिटर। और उसके बाद और सारी कई जगह पर भी जैसे कि एक होता है थ्रोम्बिन टाफी बोलते हैं जिसको ठीक है, टाफी थ्रोम्बिन एक्टिवेटेबल फिब्रिनोजन इनहिबिटर ठीक है, फिब्रिन इनहिबिटर। तो काफ़ी और सारे इनहिबिटर हैं जिनको हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं दूर हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए फ्लो चार्ट, इसको जरूर उतार दीजिए। और इसके बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ फिब्रिनोलिसिस को हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है। सो गाइज लेट्स डिस्कस अबाउट सम कंपोनेंट्स ऑफ फिब्रिनोलिटिक पाथवे, और इसी में मैं आपको बताऊंगा कि इनहिबिटर्स का क्या काम होता है ठीक है। तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल फिब्रिनोलिटिक पाथवे में गाइज हमारे बहुत सारी चीज़ें काम में आती हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बिल्कुल शुरू से, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो बिल्कुल शुरू से डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो प्लाज्मिनोजन है वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है ठीक है। प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कौन करता है, आपका टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ठीक है। मैंने गलती से यूरो बोल दिया था, यूरोकाइनेज है इसका फुल फॉर्म ठीक है, यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ठीक है। तो भाई देखिए नाम में ही सारा कुछ रखा है ठीक है, नाम पढ़ लो ना, नाम का मतलब जान लो तो मतलब सारी आपकी जो सारी क्वेरी है सारी खत्म हो गई। देखिए यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करने वाला यूरिन से मिलता है ठीक है, यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। और जो यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है ये किस चीज़ से बनता है, ये बनता है भाई ये है सिंगल चेन यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ठीक है। सिंगल चेन लाइक, सिंगल चेन लाइक इसकी फुल फॉर्म है SCUPA की
सिंगल चेन लाइक यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। अब देखिए प्लाज्मिन बन गया, यहाँ तक मैं बिल्कुल पहले देखिए नॉर्मल डिस्कस करूँगा। प्लाज्मिन क्या करेगा भाई, आपका जो फिब्रिन जो मैंने बताया था कि स्टेबलाइज फिब्रिन जो नेटवर्क है उसको क्या करेगा, वो डिग्रेड करेगा फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में और डी डाइमर में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, जो ये रेड अच्छे मार्क किए हुए मैंने, ये इनके इनहिबिटर है गाइस, और इनहिबिटर स्क्रीनिंग ही हम इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि देखिए इनहिबिटर स्क्रीनिंग काफ़ी ज़रूरी होती है काज का पता लगाने के लिए, ठीक है, कि कोई इनहिबिटर तो नहीं काम कर रहा। अब इतना आ गया समझ में, तो देखिए अब इनहिबिटर की बात करते हैं भाई। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जब गाइज प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक इनहिबिटर काम में आता है, वो आता है आपका प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर टाइप वन। दो टाइप के होते हैं ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर, दो टाइप के होते हैं। इसमें प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर यानी कि प्लाज्मिनोजन को जो एक्टिवेट कर रहे हैं ना फैक्टर, उनको इनहिबिट कर रहा है ये गाइज। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और यूरोकाइनेज प्लाज्मिनो एक्टिवेटर को ये इनहिबिट करता है, यानी कि इनहिबिटर है ये, इन दोनों को इनहिबिट करता है ताकि प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन ना बन सके। अगर प्लाज्मिन नहीं बना तो भाई क्या होगा कि फिब्रिनोलिसिस नहीं होगी, हमारे क्या बन जाएगा, हमारा क्लोट बन जाएगा, थ्रोम्बस बन जाएगा ब्लड वेसल में। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन नहीं बनेगा, उसके बाद क्या होगा भाई, हमारा क्लोट इसके अंदर ही रहेगा, वो डिग्रेड नहीं होगा। और भी बहुत सारे गाइज इनहिबिटर आते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए जो ये सिंगल चेन लाइक यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है ना, ये गाइज ये भी देखिए ये सीधा इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है और ये सीधा प्लाज्मिन को भी क्या कर सकता है, प्लाज्मिन में सीधा क्या होता है, ये सिंगल चेन यूरोकाइनेज प्लाज्मिन एक्टिवेटर प्लाज्मिन पर एक्टिव करता है। और इसको जो जो इनहिबिटर है जो इसका, वो है आपका अल्फा टू एंटी प्लाज्मिन, ठीक है, अल्फा टू एंटी प्लाज्मिन इसका इनहिबिटर है गाइस, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, अल्फा टू एंटी प्लाज्मिन। उसके बाद देखिए प्लाज्मिन से हम देखिए प्लाज्मिन का क्या काम होता है, फिब्रिन फिब्रिन को क्या करना है, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में चेंज करना है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से काट देते हैं आपकी कंफ्यूजन के लिए, ठीक है, ये इसके जैसा ही होता है, मतलब इसमें ये कन्वर्ट नहीं होता, ये इसके जैसा ही होता है, सिंगल चेन लाइक यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है, ये अलग मतलब एक तरह से ही होता है, सिंगल चेन लाइक है। उसके बाद देखिए प्लाज्मिन से जब फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें एक इनहिबिटर काम आता है अल्फा टू एंटी प्लाज्मिन। अल्फा टू एंटी प्लाज्मिन यहाँ भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है। अब आने वाली जो मतलब अभी थोड़ी देर में मैं इनके बारे में डिटेल बताऊंगा कि अल्फा एंटी प्लाज्मिन कहाँ से रिलीज होता है, इसकी हाफ लाइफ क्या होती है, ये कैसे काम करता है, अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा। तो ये एक जनरल सा मैं एक पहले आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अल्फा टू एंटी प्लाज्मिन क्या करता है, प्लाज्मिन को प्लाज्मिन के ऊपर एक्ट कर, मतलब जो प्लाज्मिन जब इसको फिब्रिन जो मैसवर्ग है इसको जो फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में चेंज करता है, तो इसको इनहिबिट करता है, यानी कि इसकी डेफिशिएंसी होगी तो भी भाई दिक्कत हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आ गया सारा, ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं देखिए भाई नीचे वाले प्रोसेस पे, फिब्रिनोजन से जब फिब्रिन बनता है, जब फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है, फिब्रिन के ऊपर जब फैक्टर जो ये आपका 13 होता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जब ये एक्टिवेट होकर फिब्रिन को स्टेबलाइज करता है, तो इसमें क्या होता है, जब फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है, तो जैसे कि मैंने अब थोड़ी देर पहले बताया था कि एक होता है टाफी, ठीक है, थ्रोम्बिन एक्टिवेटेबल, देखिए नाम में ही जाओगा इस टाफी, थ्रोम्बिन एक्टिवेटेबल यानी कि जो कि थ्रोम्बिन से एक्टिव हो, थ्रोम्बिन एक्टिवेटेबल फिब्रिनोजन इनहिबिटर, ठीक है, थ्रोम्बिन एक्टिवेटेबल फिब्रिन इनहिबिटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखिए जो थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन का देखिए एक तो ये काम है कि फिब्रिनोजन से फिब्रिन को कन्वर्ट करना, एक थ्रोम्बिन का एक और काम होता है गाइस, काम होता है थ्रोम्बिन का, देखिए तीन काम है यहाँ पर देख सकते हो, मैं ग्रीन पेन से दिखाता हूँ आपको, देखिए एक काम तो ये है, ठीक है, एक काम ये है और एक काम ये, यानी कि थ्रोम्बिन भाई आपका बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, कोएगुलेशन फैक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और आप सभी को पता ही होगा इनका जो रोमन नंबर में इनकी कैसे नंबरिंग करते हैं हम, ठीक है, तो एक ट्रिक बनाई हुई है जैसे कि फ्रेशर पार्टी टू डे, तो ये सारे आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन के तीन काम होते हैं, जैसे कि मैंने बताया फिब्रिनोजन से फिब्रिन कन्वर्ट करना, और देखिए यहाँ पर ये गलत लिख दिया, हाँ, जो फैक्टर 13 होता है ना गाइज, यहाँ पर F4 लिख देता हूँ भाई, ठीक है, जो फैक्टर 13 होता है, फैक्टर 13 को एक्टिव करना, फैक्टर 13 भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये जितने जितने जो कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं ना ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जब इनको काम में आना होता है तभी एक्टिव होते हैं, अगर ये पहले ही एक्टिव हो गए तो क्या बनेगा भाई, अंदर क्लोट बन जाएगा, थ्रोम्बस बन जाएगा, पेशेंट को दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये मतलब कि ये एक तरह से प्रो एंजाइम की फॉर्म में होते हैं ब्लड में, और जब कोई टिश्यू इंजरी होती है तभी ये सारे सारे एक्टिव होते हैं। तो ये जो फैक्टर 13 होता है, इसको एक्टिव कौन करता है, इसको करता है थ्रोम्बिन एक्टिव, और थ्रोम्बिन का तीसरा काम गाइस एमसीक्यू बन सकता है इसके ऊपर, थ्रोम्बिन का तीसरा काम होता है
थ्रोम्बिन एक्टिवेटेबल फिब्रिनोजन इनहिबिटर को क्या करना, फिब्रिन इनहिबिटर को क्या करना, मतलब कि इसको एक्टिव करना, ठीक है, एक्टिवेट करना। देखिए जहाँ पर भी ए लिखा होना तो समझ लेना कि आप एक्टिवेटेड फॉर्म है उसकी। तो इसको एक्टिव भी कौन करता है, थ्रोम्बिन करता है। अगर भाई थ्रोम्बिन की डेफिशिएंसी है ना किसी में तो मतलब काफ़ी मतलब कि दिक्कत हो सकती है बंदे को, ठीक है। उसके बाद देखिए थ्रोम्बिन एक्टिवेटेबल फिब्रिनोजन इनहिबिटर का क्या काम है, जो एक्स लिंक्ड यानी कि जो क्रॉस लिंक्ड फिब्रिन जो मतलब मैशवर्क का है उसको इनहिबिट करेगा, यानी कि फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट नहीं बनने देगा। तो भाई ये है सारा का सारा फिब्रिनोलिटिक पाथवे का ये फ्लो चार्ट। आई होप कि आपको गाइस इसमें समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वारी कर लेना, और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मेरे साथ इंस्टा हैंडल पर आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्ज़ाम में ये भी बनाया होगा ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको नॉलेज है इनहिबिटर्स की कोएगुलेशन जो पाथवे है उसकी, तो ये आप बना सकते हो। अब थोड़ी देर में हम इनके सारे सारे कंपोनेंट्स को हम डीपली इनके बारे में, हम इनका ऐसे क्या होता है मतलब इनको हम लैब में कैसे फाइंड करेंगे, इनकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस हम इनका देखेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।